नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को अपना भविष्य, दुआओं के जरिए आप अपना भविष्य देख सकते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा। आज का ऐसा कौन सा इंसान है जो अपने भविष्य को देखना नहीं चाहता? हर एक को अपना भविष्य देखना है, अपना मुस्तकबिल देखना है, जानना है कि उसके भविष्य में भगवान ने, उस अल्लाह पाक ने क्या क्या लिख कर रखा है। वो देखना चाहता है कोई साधना के जरिए, कोई अमल के जरिए, तो कोई सिद्धि के जरिए, कोई भूत प्रेत पिशाचों के जरिए, कोई टोने टोटके के जरिए, कोई वजीफे के जरिए, कोई ना कोई अपने भविष्य की जिंदगी, अपने हकीकत को जानने की कोशिश में लगाई है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। ये बात सत्य है कि कुंडली देखकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान बताया जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग वक्त के साथ चलते हैं, कुछ लोग वक्त के पीछे चलते हैं और कुछ लोग वक्त के आगे चलते हैं, तो कुछ लोग वक्त के साथ वक्त में ही समा जाते हैं। क्योंकि वक्त को कभी ज़ाया ना करें, अपने आमाल अच्छे रखो, मेहनत करो, नेक काम करो, ताकि मरने के बाद दुनिया तुमको याद रखे। जो अच्छा आमाल और अच्छे कर्म करे, उसका भविष्य हमेशा अच्छा ही होता है। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि वो वक्त के अंदर झांक कर देख ले कि उसके भविष्य में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि जो खुदा ने लिखा है वो होकर रहेगा। कोई किसी का वक्त, कोई किसी का भविष्य बदल नहीं सकता। भविष्य लिखने वाला भी वो ऊपर बैठा है, भविष्य बदलने वाला भी वो ऊपर बैठा है। लेकिन कुरान पाक की कुछ दुआओं में वो असर है, वो तासीर है, वो नूर है, जो आप अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य उसमें देख सकते हो। रात को नहा धोकर, साफ सुथरा होकर, वजू करके, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप जब बिस्तर पर लेटने के लिए जाए तो खुशबूदार अतर लगा ले। एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, दूसरी बार सूरह यासीन पढ़े, तीसरी बार आयतल कुर्सी पढ़े और चौथी बार चारों कुल एक एक बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारे सीने पर, और ये दुआ करे कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मेरा मुस्तकबिल देखना है, मुझे मेरा भविष्य देखना है। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे माफ़ कर देना, मगर कभी किसी का मोहताज नहीं बनाना। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। ऐसे ही अमलियात, रहस्यमयी बातें, टोने टोटके मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूले, जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज। जो किताब का पैसा आता है वो सहारा हैंडीकैप फाउंडेशन नाम की संस्था को जाता है। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।